सलाम नमस्कार दर्शक मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल सिंधी कुंडी में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक बार फिर अली कैटल फार्म की ये कुंडी बनी नस्ल की भैंसों की दोबारा दर्शन करा रहा हूँ। दर्शक मित्रों, इन भैंसों की चाल ढाल, चमक धमक और इन भैंसों की जो खूबसूरती है, मुझे एक बार फिर दोबारा वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया है। तो आप लोगों को मैं दूसरी बार इन भैंसों की जो है फिर से डॉक्यूमेंट्री और फिर से डिटेल के साथ जो है वीडियो में आप लोगों को नई जानकारी देने वाला हूं। तो दर्शक मित्रों, आप लोग इस फार्म की लोकेशन भी देख सकते हैं। दर्शक मित्रों, ये फार्म छोटी बड़ी भैंसें 16-15 भैंसों में मुश्तमिल है और इन भैंसों की एक एक छोटी ब्रीड देखें या बड़ी भैंस देखें, एक से एक बढ़कर और क्वालिटी में इसका कोई जवाब नहीं है। दर्शक मित्रों, देखने में तो इस फार्म के अंदर भैंसें इस बाड़े में जो है थोड़ा बहुत आप लोग ये समझ रहे होंगे कि छोटा फार्म है और इतनी भैंसें कैसे जो है मेंटेन की हुई हैं। दर्शक मित्रों, चाहे कितनी भी छोटी जगह हो, लेकिन एक भैंस की केयर अच्छी है और उसकी जो खाद खुराक पे अच्छा काम किया जा रहा है, तो उसके लिए छोटी जगह मायने नहीं रखती। मायने रखती है दर्शक मित्रों उनकी केयर, देखभाल। उन भैंसों पे देखभाल कौन सी है, क्या है। कई फार्म आप लोगों ने देखे होंगे जिस फार्म में 100 भैंसें आ जाएंगी, लेकिन उस फार्म में 10, 12 या 20 भैंसें होंगी, लेकिन उनकी केयर पे जो है वो सवाल उठते हैं। दर्शक मित्रों, ये आप भूरी भैंस देख रहे हैं, दिखने में तो इसे हम जो है भील भी बोल सकते हैं, डब भी बोल सकते हैं, जो सिंधी में डबी भी बोलते हैं, लेकिन ये वही ब्रीड है जो दोसु जत के पास है। सिंध के मशहूर शौकीन हैं जिसके पास कुंडी बनी नस्ल की भैंसें अक्सर दिखी जाती हैं और उनसे कई शौकीन हजरात जो है परचेज़ भी किए हुए हैं, अपने पास रखी हुई हैं। उन भैंसों में से इस फार्म में भी कुंडी बनी नस्ल की भैंसें, आप इनके फार्म में एक भैंस को देखते जाओगे तो दूसरी भैंस को भूलने पर मजबूर हो जाओगे। अब ये दर्शक मित्रों, ये आप छोटी कटड़ी देख रहे हैं, ये कटड़ी भी उस भूरी भैंस की है जो सामने खड़ी हुई है, और ये दोस्तों जत से वो भूरी भैंस जब खरीदी थी उसके साथ ये मिली थी। और अब देखें इस फार्म के अंदर जो भैंसों की केयर देखें, भैंसों पे जो मोटापा देखें। और दर्शक मित्रों, इस फार्म का जैसा नाम है वैसा काम है, और इस फार्म में किसी चीज़ की भैंसों की केयर के ऊपर कमी नहीं है। ये भैंस 2 मंथ पहले जो है ये कटड़ी एजाज खासकिल साहब ने ख़रीदी थी, ये भी कुंडी बनी नस्ल की है, लेकिन तब इसकी रिज़ल्ट जो है थोड़ी बहुत कम थी क्योंकि उस पर केयर अच्छी नहीं थी, लेकिन 2 मंथ के बाद इस पर जो रिज़ल्ट है आप लोग देख सकते हैं। अच्छी केयर और अच्छी देखभाल में भी भैंसों की जो शाइनिंग होती है वो ज़्यादा जो है चमक धमक में इजाफा करती है। तो दर्शक मित्रों, ये फार्म जो है, पहले भी इस फार्म की जो है एग्जैक्ट आप लोगों को लोकेशन बताई भी थी और अभी भी आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ, तो ये सिंध हैदराबाद जामशोरो मौजूद है। और किसी भी भाई को इस फार्म का विज़िट करना है तो आप लोग विज़िट कर सकते हैं और इस फार्म का चक्कर ज़रूर लगाएं। दर्शक मित्रों, अगर आप लोगों ने इस फार्म में बड़ी भैंसों की छोटी ब्रीड आप ख़रीदना भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नंबर ज़रूर दिया करें। और मेरी मजबूरी होती है कि मैं किसी का भी जो है कांटेक्ट नंबर शो ऑफ नहीं करता, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करने से पहले ही मैं जानकारी जो है ओनर से ले लेता हूं और शो ऑफ नंबर नहीं करता। अगर कोई भी भाई इस फार्म की छोटी ब्रीड या कुंडी बनी नस्ल की सिंध पाकिस्तान के अंदर भैंस बड़ी या छोटी ख़रीदना चाहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे रابطہ ज़रूर करें और अपना नंबर ज़रूर दिया करें, मैं नंबर पे आप लोगों के साथ जो है रابطہ कर दूंगा। दर्शक मित्रों, अली कैटल फार्म के अंदर जो बड़ी भैंसें हैं जिनकी दूध की जो कैपेसिटी है दिन का जो है 22-23 किलो कहीं नहीं है, और आराम से ये बड़ी भैंसें जो हैं वो दूध मैनेज कर देती हैं। दर्शक मित्रों, आज की थी यही वीडियो, मिलते नेक्स्ट वीडियो पर। अभी तक मेरा चैनल सिंधी कुंडी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी नई आने वाली वीडियो से बर वक्त आप आगा रहें।